टेलीविजन कपल अपूर्व अग्निहोत्री और उनकी वाइफ शिल्पा सकलानी आज गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति पप्पा को अपने घर ले जाने आए थे। इस साल गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे से लेकर 7 सितंबर को शाम को 5:37 तक, इसीलिए कई लोग आज ही गणेश जी को अपने घर ले जाने आए हैं। इस अपूर्व से पहले अंकिता लोखंडे और टीना दत्ता भी अपने घर गणपति जी को विराजमान कर चुकी है। अपूर्व और उनकी वाइफ शिल्पा अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे इस दौरान। शायद ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रिटीज़ पहले ही ऑनलाइन अपने गणपति जी बुक कर चुके थे, क्योंकि जैसे ही अपूर्व और शिल्पा वहां पहुंचते हैं वो कुछ देर वहां इंतज़ार करते हैं और फिर एक रिसीप्ट देते हैं, जिसे देखकर उन्होंने जो पसंद किए थे गणपति जी वो वहां पर रख देते हैं शॉप वाले। अपूर्व और शिल्पा अपने ऑर्डर किए हुए गणपति जी को देखकर बेहद खुश होते हैं, क्योंकि वाकई में ये मूर्ति बहुत सुंदर थी। गोल्डन कलर के गणपति जी उन्होंने चूज़ किए थे और उन्हें वाइट एंड मैरून कलर के गहने पहनाए हुए थे। गणपति पप्पा की बहुत ही प्यारी और अद्भुत प्रतिमा नज़र आ रही थी। शिल्पा और अपूर्व ने अपने गणपति जी की पूजा की, तिलक लगाया, अगरबत्ती लगाई और फिर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया और फिर पिंक कलर के कपड़े से गणपति पप्पा की मूर्ति को ढक दिया और अपूर्व अपने हाथों में पप्पा की मूर्ति लेकर घर जाते हुए नजर आए। इस दौरान शिल्पा और अपूर्व की बेटी बड़ी ही क्यूटली अपने मम्मी पापा को देख रही थी और ये सारी प्रक्रियाएं देख रही थी। आपको बता दें, कपल की बेटी का नाम ईशानी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपूर्व और शिल्पा की बेटी का जन्म उनकी शादी के 18 साल बाद हुआ है और इसीलिए वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। लंबे इंतज़ार के बाद उनके घर बेटी की किलकारियाँ गूंजी थी। अपूर्व अग्निहोत्री 50 साल के हैं तो वहीं शिल्पा 40 साल की है और शादी के 8 साल बाद ही दोनों ने बेबी प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें बेबीज़ नहीं हो पा रहे थे। फाइनली 2022 में उनके घर बेटी का जन्म हुआ है, ईशानी का। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए ये बच्ची कितनी खास है। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर भी ईशानी बड़ी ही क्यूटली अपने मम्मी पापा के साथ नज़र आई।